अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों आपकी खिदमत में आज हाजिर है एक न्यू बहुत अहम टॉपिक के साथ। दोस्तों ये 125 देखें हमारे पास आइए, इस 125 की जो है क्लच प्लेट है जो है बिल्कुल ख़त्म है, ये गाड़ी चलने से भी बिल्कुल मोहताज थी। तो अब इसकी हमें क्लच प्लेट डालनी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मेजर फॉल्ट ये है कि हमें इसका इंजन खोलना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि क्लच प्लेट डालनी है और इंजन क्यों खोलना पड़ेगा। देखिए हेड सिलेंडर हमने खोल दिया, हेड सिलेंडर और सामान था, तो हेड सिलेंडर को हमने इसका खोल दिया, क्लच प्लेट है जो है डालने के लिए इंजन क्यों खोलना पड़ रहा है। तो इसका इंजन जो है इस बिना पे ऊपर खोलना पड़ रहा है। दिखाओ बेटा, किक शाफ्ट दिखाओ भाई, क्लच प्लेटें ख़त्म है और ये किक वेल्डिंग करवा दी है किसी ने, ठीक है। अब इसके कभी ग्रुप स्लिप हुए होंगे किक के, तो उसने पैसे, जिसकी गाड़ी है उनने बस पैसे बचाने के चक्कर के अंदर जो है इसको जो है वेल्ड करवा दी। जबकि उमूमन तो यह होना था कि इसकी जो है पार्टे बनवाते, किक के पार्टे बनवाते, नई किक डाल देते या पुरानी किक के ऊपर ही पार्टे बन जाते, तो ये काम हमारा प्रॉपर हो जाता। 200 या 300 रुपये तक का खर्चा आता उस वक्त हो जाता, लेकिन ये 50 रुपये की उसने वेल्डिंग करवा दी और कितना बड़ा नुकसान किया है। अब ये देखें कि ये वेल्डिंग हो चुकी है, कि खोलने के नहीं है, क्लच कवर खोलने के लिए पूरा इंजन ही जो है अब हमें इसको उतारना है, क्योंकि अब ये शाफ्ट डलेगी। इस शाफ्ट को पहले वेल्डिंग वाले से हम कटवाएंगे, कटवाने के बाद जो है ये नई शाफ्ट जो है इसके अंदर डालेंगे। फिर तकरीबन मुकम्मल शाफ्ट आती है 1000 रुपये की या 1100 रुपये की, क्राउन लिफान कंपनी की, ठीक है। अब शाफ्ट डालने के बाद जो है किक आएगी तकरीबन 350 रुपये की, 300 रुपये की 125 की किक आएगी, कितना खर्चा हो गया, ठीक है। अच्छा मज़े की बात, ये किक तो करीब ही है वेल्डिंग। अब एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये घेर लीवर भी साथ में वेल्डिंग कराया हुआ है। कितना बड़ा नुकसान किया हुआ है उस बंदे ने, सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में। अब ये इंजन खुल रहा है, अब ये कितना ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है। अब जाहिर बात है हम जो है इंजन खोल रहे हैं तो ये शाफ्ट लाजमी हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये कटेगी, ये खुलेगी तो है नहीं। अब ये भी कट जाएगी, जब इंजन खुलेगा तो फिर नहीं डालनी पड़ेगी। तो अब जब शाफ्ट नहीं डलेगी तो साथ में तो घेर लीवर भी नया डलेगा इसका, तो ये कितना बड़ा नुकसान है। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी के ग्रुप स्लिप हो जाते हैं, ये देखें ग्रुप ये होते हैं, ये मेरे पास पुरानी शाफ्ट है, ठीक है, ग्रुप जो है ये होते हैं। अगर आपकी गाड़ी की ये स्लिप हो जाए, किक फ्री हो जाए, किक नहीं लग रही हो, तो आप इसको ग्रुप को बनवा सकते हैं। इसके एक लेत मशीन वाले के पास जाके किक के जो है पार्टे आप आराम से जो है इसके बनवा सकते हैं। लेत मशीन वाला लेता है इसके 200, 250, 300, हद है 350 रुपये। ये 350 रुपये में आपका बेहतरीन काम हो जाता है, लेकिन आप 40-50 रुपये की वेल्डिंग करवाते हैं, लेकिन 350 रुपये आप जो है लेत मशीन वाले को नहीं देते, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब देखें गाड़ी के अंदर क्लच प्लेटों का काम आया है तो उसके लिए इंजन खुल रहा है। अभी कितना बड़ा नुकसान है कि 1150 रुपये की जो है 1100 रुपये की तकरीबन ये शाफ्ट आएगी और 350-400 रुपये तक की तकरीबन ये किक आएगी, तो ये कितना लंबा प्रोसेस जा रहा और उसके लिए इंजन अलग खुल रहा है। जबकि सिर्फ हमारा काम ये था कि हम इसकी क्लच कवर खोलें और क्लच प्लेट हम नहीं डाल देंगे, उसके लिए हमें इंजन नहीं खोलना पड़ता। तो दोस्तों अब ये देखें, ये 125 की किक की शाफ्ट है, मुकम्मल शाफ्ट ये होती है। अगर हम नई लेंगे, नई शाफ्ट इस तरह आती है, ये देखें नई शाफ्ट इस तरह आती है, इस तरह आती है, ये कोई ये नई शाफ्ट है, ये मेरे पास फ्यूचर कंपनी की है, ठीक है, लेकिन लिफान कंपनी की मैं इसमें डालूँगा। तो और उसमें सामान जो है इसका, ये अगर लगाना चाहें तो लगाते हैं, वैसे ये है कि अब जब आप नई शाफ्ट डाल रहे हैं तो सामान भी टोटल नया डालें, पूरा प्रॉपर काम करें। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, कभी भी आपकी गाड़ी के साथ इस तरह का वाकया पेश आए और आपकी गाड़ी की किक स्लिप हो जाए, तो आप लेत मशीन वाले के पास लेकर जाएं, उसको बोलें कि इसका जो है किक के पार्टे बना दें। किक के पार्टे बनाएगा वो 300 रुपये तकरीबन लेगा, 300 रुपये लेके आपकी गाड़ी की किक के पार्टे बना के दे देगा, लेकिन वेल्डिंग हरगिज़ ना करवाएं, किक को वेल्डिंग कभी ना करवाएं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप और ये बहुत बड़ा नुकसान है। कल को इंजन में काम निकलता तो ये सब सामान नया डालना पड़ता, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, और इस वक्त पार्ट्स जो है इतना महंगा हुआ हुआ है मोटरसाइकिल का कि आपको बता नहीं सकता, और ख़ासकर 125 का। अब ये देखें, ये किक तो वेल्डिंग हुई भी है साथ में और ऊपर से जो ये गियर लीवर भी जो है साथ में। तो दोस्तों देखें, हमने ये किक शाफ्ट जो है इसकी कटवा दी है, ठीक है, यहाँ से किक शाफ्ट कटवा दी है, यहाँ से देखें ये घेर शाफ्ट भी हमने इसकी कटवा दी है। अब ये देखें, अब मुझे बताएं, या हम लोग जो वेल्डिंग जो कराते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमें। अब ये देखें, बताइए मुझे, ये घेर लीवर चलेगा,
अभी किक स्टार्ट चलेगी नहीं चलेगी। अब आप बोलेंगे इसके अंदर जोड़ लगवा दें, जोड़ लगवा के नया घेर लीवर डाल दें तो भी काम हो जाता है, तो चले ठीक है जी जोड़ लगवा देते हैं हम। जोड़ लगवा के हम खाली घेर स्टार्ट पे तो कर सकते हैं। अब ये है होंडा CG125, किक में तो उसका जोड़ नहीं लगवा सकते ना, किक तो महंगी है। अब ये घेर शाफ्ट की है तकरीबन जो है तकरीबन घेर शाफ्ट की 400-450 रुपए की घेर शाफ्ट है, और 300-350 रुपए का 300 रुपए का तकरीबन घेर लीवर ये है। ठीक है, कोई हम कितना बड़ा नुकसान करते हैं दोस्तों, खुदा के लिए कम से कम उसको वेल्डिंग ना कराएं, इसके आप पार्टे बनवाया करें, इसके ग्रुप बनवाया करें। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, 200-250-300 रुपए लगते हैं, तो आप इसके ग्रुप बनवाया करें, इसको वेल्डिंग जो है हर चीज़ ना कराएं। कहते हैं किक शाफ्ट ये हमने कटवाई है, इसलिए ये मुझे बताया अभी किक शाफ्ट पड़ गई। अब हमारा काम कितना सा था, काम जो है हमारा कितना सा था कि हमें सिर्फ इसकी क्लच प्लेटें डालनी थी। इंजन इसका बिल्कुल सही था, सब कुछ सही था, खाली हमें क्लच प्लेटें डालनी थी। क्लच प्लेटें डालने के लिए ये हमें किक कटवानी पड़ी, किक की शाफ्ट कटवानी पड़ी इसकी। गलती क्या, सिर्फ वेल्डिंग, तो वेल्डिंग जो है बिल्कुल भी ना कराएं। ये देखें अब ये मैंने इसको खुलवा कटवाई है, तो अब मैं इसका क्लच कवर बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसके अंदर जोड़ लगवा के आप जो है करवा दो, अंदर से जोड़ लगवा दो, तो याद रखो दोस्तों 125 के अंदर किक का जोड़ नहीं चलता, टूट जाता है। 125 का किक का जोड़ नहीं चलता, 70 का फिर भी जो है कुछ टाइम चल जाता है, लेकिन 125 का नहीं चलता। 125 में जो है डालना लाजमी पड़ेगी किक की शाफ्ट। अब किक की शाफ्ट के लिए अब मैं इसका इंजन पूरा उतारूँगा, इंजन उतरेगा फिर ये प्रॉपर तरीके से जो है इसका मुकम्मल काम होगा। नई शाफ्ट डलेगी, नई किक डलेगी, नई घेर शाफ्ट डलेगी, नया घेर लीवर डलेगा। तकरीबन 1150 रुपये की जो है ये किक की शाफ्ट है, और 450-400 रुपये की तकरीबन किक है। ठीक है, समझ लो 1500 रुपये, 1500 रुपये के ये दोनों आइटम लगा लें। ठीक है, और इसी तरह घेर शाफ्ट भी जो है तकरीबन इतने की ही है, घेर शाफ्ट तकरीबन 400 रुपये की आपको मिल जाएगी। ठीक है, 500 रुपये की मिल जाएगी, और 200-250-300 रुपये तक का जो है घेर लीवर मिलेगा। कंपनियों के फ़र्क हैं, रेटों के फ़र्क हैं। क्राउन लिफान कंपनी जो है इस वक्त सही जा रही है, अच्छी चल जाती है वो क्राउन लिफान कंपनी का ही हम इसके अंदर सामान डालेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप जो है हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ वीडियो को हमारी शेयर करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो हमसे कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी जो है पूछ सकते हैं। जज़ाकअल्लाह।